पानोट तो ना लठ है चट लठ स्टिक और कैरेट अंग्रेजी में कहते हैं डंडीब ए गजर बंदर खाइंदो ना गजर तो डंडी ए गजर बई वेपार जन स्टिक और कैरेट तो एडमिनिस्ट्रेशन का यही उसूल है और लोगों को हम लोगों के लिए हैं लोगों के लिए इक्तदार में आए हैं लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी तरह से भी और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये फेडरल गवर्नमेंट ऊपर से बैठ के कर नहीं सकती। देखें ना तीन टीयर्स है फेडरल गवर्नमेंट प्रांशल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट छोटे काम करती है प्रांशल गवर्नमेंट सूबे के लेवल के फेडरल के एक जिले से दूसरे जिले में जो स्कीम जाएगी वो तो जरूर प्रांशल गवर्नमेंट ही करेगी ना एक जिला दूसरे के अंदर तो ओवरलैप नहीं करेगा। अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में फेडरल गवर्नमेंट करेगी विद इन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मगर यहाँ इनसे उम्मीद नहीं है ये करते नहीं है। मैं तो उधर कह रहा था उमरकोट में भी एक और जगह पे भी मुझे कहा ये प्रांशल गवर्नमेंट हो तो सिंधी में मुचो रिडन आ गया रबाब वजाइंदे वर थिया नको रिदी राग थे नको ॾिनी जवाब तो इन्हनि ज़्यादा से ज़्यादा अब ये इस टेन्योर का जो 1.5 साल ही बच गया है तो इंशाल्लाह तब तक देखते हैं खान साहब से मखदूम साहब से गुजारिश करते हैं कि लोगों के काम होने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से। गैस के काम है वो तो मखदूम साहब कह रहे हैं कभी खान साहब ने पाबंदी लगा दी है मगर पूरा का पूरा बेल्ट जहाँ से गैस निकल रही है इस बिगड़ी से इधर से उधर से ये सारा बेल्ट पड़ा हुआ है इसमें लाइनें बिछा दें गैस की लोड शेडिंग बाकियों के भी हो रही है इनकी भी होगी तो ये है या बिजली के मसाइल हैं नई इलेक्ट्रिफिकेशन जो गांव रहते हैं वो है सोलर पंप्स हैं काम तो लोगों को चाहिए ना सही हम लोग इन लोगों के वजह से होते हैं इन लोगों के लिए होते हैं। लोगों का काम एमपीए एमएनए अगर आइडेंटिफाई करता है तो उसमें जुर्म क्या है या कोई पार्टी का आदमी करता है जो इस लेवल का आइडेंटिफाई स्कीम्स को करता है पैसे तो उसके हाथ में आप लोग देते नहीं हो पैसे तो गवर्नमेंट की किटी में होते हैं तो ये पुरानी थ्योरी पता नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई थी बस इसमें कोई जुर्म नहीं है मेरे नज़रिए के मुताबिक तो कोई जुर्म नहीं। अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 19-20 लीकेज भी होती है तो कोई उसमें नहीं है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मखदूम साहब से भी मैं कहूँगा कि पीटीआई को अगर सिंध में कामयाब करना है तो सिंध के डायनमिक्स के मुताबिक चलना पड़ेगा सिंध के कल्चर के मुताबिक चलना पड़ेगा कुछ हमारे सलाह मशवरा लेंगे सीटों के इसके उसके डेवलपमेंट के तो शायद काम बन जाए वरना तो ये माफियाज बैठी हैं साईं। तो बाकी पार्टी के रैंक्स के बीच में भी डिसिप्लिन और आपस के हमारे झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो हम बाकी से पीपल्स पार्टी से क्या लड़ेंगे तो वो जो ये है ना लेग पुलिंग तंग चिकन वाली वो हर पार्टी में होंगी पर इतने शायद थोड़ी असानी वट वधी का तो वह मखदूम साहब के दान ॾियां तो प्लेट तव्हांजे थर वारनि जे प्लेटफॉर्म था पता पोइ मयार ॾियो पाण सियासत कंदा आहियूं इज़त लाइ इज़त वारे तरीक़े सां हा सो अला चुप करण वठो छाजे लाइ जलसो कयो ॻाल्हायूं न त चकर ॾेखारणु आहे चरेस थो जे न हूंदी पोइ काचू वारी लाइ तो ये है कि हम इज़त के लिए जब करप्शन नहीं करते तो इज़त भी हमें नहीं चाहिए क्या। खान साहब का भी ये फार्मूला है कि करप्शन नहीं करते तो एक चीज़ हमें चाहिए वो है इज्जत जिसके लिए हम सियासत कर रहे हैं और थर के लोग भी ये मार इज्जत के लिए खा रहे हैं ये इनके भी नाक ऊंची होती है ये भी ग्रुप बदल के दूसरे ग्रुप में मार की वजह से नहीं जाते कि यार लोग हमें ताना देंगे तो ये है फार्मूला तो ये इसका अजाला आप करेंगे बड़ी मेहरबानी।